वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लुच्चा पटेल। पर मैं आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि मेरी जान का बर्थडे है। आप लोगों को पता ही होगा, जान मतलब मेरी क्रियांश का आज बर्थडे है। तो बस मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं ये ब्लॉग नहीं बनाने वाली थी, अभी इवनिंग होने वाली है, मैं तब जाके शूट करना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि भाभी का मतलब बेबी है, तो अभी वो भी ब्लॉग बनाने वाले थे, तो सब चीज़ सेम सेम रहती तो आप लोगों को भी देखने में मज़ा नहीं आता कि सब चीज़ सेम होती। तो उनका बेबी है तो ऑब्वियसली उनका पहला हक क्योंकि वो ब्लॉग बनाए, तो वो ब्लॉग बनाने वाले हैं। और तो मैं आपको पूरा सेलिब्रेशन तो उनकी चैनल पर ही देखने को मिलेगा, तो आप उनकी चैनल में देखना। मेरे में छोटी छोटी सी हल्की झलकियाँ होगी। और अभी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं मैं और पापा, तो वो सब चीज़ें भाभी शूट नहीं करेंगे, तो इस वजह से मैं ये वाला शूट कर रही हूँ। तो अभी मेरे पापा को देनी है साइकिल, उसको जो उसके पास ऑलरेडी एक है, उनके नाना ने दिया था, तो अभी वो थोड़ी छोटी होने लगी है, तो अभी वो बड़ा हो रहा है, तो हम सोच रहे थोड़ी बड़ी साइकिल देते हैं। तो अभी हम निकल रहे साइकिल के लिए। और ये ऑलरेडी ये अभी कल सैटरडे संडे भी है, तो ये मतलब मेरा वीकेंड ब्लॉग ही होने वाला है क्योंकि कंटिन्यू रहेगा। और मतलब प्रियांश के बर्थडे भी और कल भी हम क्या कर रहे हैं वो सब। तो लेट्स गो, सबसे पहले चलते हैं हम साइकिल लेने के लिए। अभी हम निकलने वाले थे पर टू व्हीलर और फोर व्हीलर हमारी दोनों नहीं है घर पर। अभी भाभी टू व्हीलर लेके गए और भाई गाड़ी लेकर गए हैं, तो बस अभी तो वेट कर रहे हैं उनका। तो मैंने सोचा जो कुछ पीने का मन कर रहा था, तो मैं सोच रही थी मैं ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ विदाउट शुगर, क्योंकि आजकल अभी मुझे थोड़ा वेट लॉस करने का मन हो रहा है, तो शुगर अवॉइड करूँगी जितना मेरे से हो पाए। तो बस अभी बना देती हूँ मैं ब्लैक कॉफ़ी। सो ये बन चुकी है मेरी ब्लैक कॉफ़ी, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। टेस्ट तो ऑब्वियसली सेम ही होता है, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लैक कॉफ़ी, मज़ा आ गया। सो इवनिंग हो चुकी है, तो भाभी और आकाश ने काम स्टार्ट कर दिया है डेकोरेशन का, और हम फटाफट लेकर आते हैं हमारा गिफ्ट क्रियांश के लिए। अभी क्रियांश गया है ट्यूशन और तब तक हम फटाफट लेकर आते हैं क्योंकि बाद में सरप्राइज नहीं रहेगा, वो आ जाएगा तो वो तुरंत देख लेगा, इस वजह से चलो फटाफट निकलते हैं। सो अभी हम निकल चुके हैं, मेरे घर के पास में ही एक साइकिल का शोरूम है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी साइकिल मिलती है, तो लेट्स सी हमको यहाँ पे पसंद आती भी है कि नहीं आती है। अगर पसंद आ गई तो पास में ही है तो अच्छी बात है, और नहीं पसंद आई तो दूसरी शॉप पे जाएंगे। और यहाँ पे देखा हमको बहुत ही अच्छी अच्छी वेराइटी की साइकिल मिल रही थी, एज के हिसाब से यहाँ पर सब साइकिल रखी हुई थी, तो और ईजी हो रहा था हमारे लिए। तो यहाँ पर मैं दो साइकिल में थोड़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और सब में मुझे दो तो क्लियर ही था कि ये दोनों में से ही एक लेनी है, एक ये वाली और एक रेड वाली। पर रेड वाली ऑलरेडी उनके नाना ने दी हुई थी, तो वो अब वो भी रेड कलर की थी, और यहाँ पर ये बोले तो बहुत ही मजबूत है, आप बैठकर देखो, मतलब ये 100 kg तक का ये झेल सकता है, इतना उसका स्ट्रॉन्ग टायर है। तो हमने ले लिया है और हमको जैसी चाहिए थी वैसे ही मिल चुकी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ कि हमारा गिफ्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, वो खुश होने वाला है। उसके बाद गए हम रिलायंस मॉल क्योंकि आज उसका बर्थडे था, तो मुझे उसको कुछ कपड़े गिफ्ट करने थे जो कुछ अलग सा हो, यूनिक सा हो। तो यहाँ पर हम रिलायंस मॉल में पहुँच चुके हैं और देखते हैं कुछ पसंद आता है कि नहीं आता है। तो फाइनली मुझे मिल चुका है, तो ये बर्थडे बॉय टाइप का वाइब लग रहा था, तो मैंने ले लिया ये चीज़, और ये मेरे तरफ से गिफ्ट है। तो अभी ये पैक करवा लेते हैं और अभी हम निकलते हैं बाहर और कुछ चीज़ देखते हैं। मेरे लिए भी मैंने देखा क्योंकि मेरे पास भी अभी कपड़े नहीं है सूरत में, तो मैंने भी एक वन पीस लिया है, और अभी मैं मोटी हो चुकी थी तो मेरे पास कुछ कपड़े है नहीं, तो ये मैंने मुझे लेना ही पड़ा। उसके बाद चलते घर। तो घर आए तो पूरा डेकोरेशन रेडी था, भाभी और आकाश ने पूरा डेकोरेशन किया हुआ था। तो अभी आ चुकी हूँ मैं घर और अभी मैं पीऊँगी चाय क्योंकि इवनिंग का टाइम हो चुका है। उसके बाद फटाफट रेडी होते हैं और अभी बस क्रियांश आने भी वाला होगा ट्यूशन से। तो ये रही मेरी गर्मा गर्म चाय और बस चाय पी के क्या मज़ा आ गया। लव यू देखो बस बस बस
अरे ये हमारी अन्ना रेडी हो चुकी है। तो ये दोनों ब्यूटीफुल लड़की रेडी हो चुकी है। आप बताओ, लग रहे हैं ना हम दोनों ब्यूटीफुल? तेरे लिए गिफ्ट। थैंक यू कौन बोलेगा? बर्थडे बॉय ना कपड़ा लगी था। सो मैंने जो गिफ्ट दिया था वही वाले कपड़े पहना दिए उसके, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। लगे कपड़े अच्छे अच्छे। थैंक यू कौन बोलेगा? मैं। थैंक यू। और कितने साल का हुआ आज? सिक्स नहीं, सेवन। तो यहाँ पे क्रियांश के फ्रेंड आ चुके थे और अभी उसका एक दोस्त बाकी था, तो बस हम उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद की कटिंग करेंगे। और ये बच्चे लोग देखो, उनको कितनी मज़ा आती है। और ये सब देखते मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए कि छोटे बच्चे थे तब कितनी मज़ा आती थी, फ्रेंड्स घर पे आते थे, घर वाली जो पार्टी थी ना उसकी कंपेरिजन कर ही नहीं सकते। आजकल जो बाहर जाके हम करते उसमें इतनी मज़ा नहीं है जितनी घर में आती थी। और क्रियांश के सब फ्रेंड्स आ चुके और अभी केक कट हो चुका है। पार्टी करते करते बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, तो अभी हम रेस्टोरेंट में 10:30 बजे आए हैं और अभी ऑर्डर किया है। बस खाना खाएंगे, बाद में घर चलते हैं। अभी आ चुकी हूँ मैं घर और बहुत ही मज़ा आया। आज का दिन बहुत ही मज़ेदार रहा। और बस हम खाना खाने गए थे तब मैं शूट कर रहे भूल गई क्योंकि इतनी भूख लग रही थी। और अभी बज रहे 12, बहुत नींद भी आ रही है, थक भी चुके हैं, तो बस अभी सो जाते हैं। तो ये ब्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।